में छह डिफेंडरों के बीच में गाजीपुर के पाले में पहले से टच करने की कोशिश पर बिना अंक के वापस। अब दिलीप जीरो और तीन नंबर के जर्सी में, एक फिल्म जगत में भी दिलीप कुमार थे और इस प्रतियोगिता के उपाध्यक्ष भी दिलीप कुमार है। देखिए संयोग है, एक बोनस मिला गाजीपुर सी को बिना। अब एसके कोचिंग की तरफ से ये लंबे कद के खिलाड़ी राइट कॉर्नर पे वार करते हुए अपने टीम को अंक की तरफ में बहुत ही अच्छा, छह डिफेंडर के बीच में कुछ हलचल पर बिना अंक के वापस। अब फिर चले हैं दिलीप, लगातार बैक टू बैक रेड कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा। अगली बार बोनस लग गए थे, इस बार भी ट्राई किया है, अभी निर्णय आना बाकी है। और लीजिए बोनस ले लिया। चलिए एक पिटी का आवाज है, डू अडाई ऐसे कोचिंग की तरफ से। अब आपको इसमें या तो अंक लेके जाना है या अंक दे के जाना है, मेरे आपके ऊपर, केवल 30 सेकेंड है आपके पास। और अच्छा प्रयास, उछल के एक अंक अर्जित कर लिए, डिफेंडरों के बीच में नहीं आए। एक बार फिर अब एसबी कॉलेज और दो नंबर के जर्सी में गाजीपुर का यह खिलाड़ी, और बहुत ही अच्छा थाई का एक पकड़ लिए गए, सारे डिफेंडरों ने मिलकर इनको दबोच लिया। एक अंक मिला एसके कोचिंग को। एक बार फिर अब चार डिफेंडरों को बीच में रेड करने के लिए गए हैं, इधर से भी बैक टू बैक। स्कोर बोर्ड थोड़ा गड़ा हुआ है कि भाई, हमको लग रहा है कि दूर दृष्टि दोष है। कौना का करीब पहुंच गया, फोन बजा थे रे मक्का एसके कोचिंग टीम और गाजीपुर दो, गाजीपुर का ये सात डिफेंडरों के बीच में गाजीपुर का नौजवान। अभी इससे पहले गाजीपुर की टीम समय छोड़ा है और दावा किया है तो मिल जाएगा, बढ़ता हुआ स्कोर गाजीपुर का भी टीम, बहुत ही अच्छा। अब चले कबड्डी के अगले टीम भैया, मुरेरा बनाम विष्णुपुरा, ये दोनों टीम तैयार रहेगी क्योंकि 3 मिनट का खेल बीत चुका है, आपके पास 7 मिनट का और वक्त है। बहुत सही, बिना अंक के वापस है यार, कोई बात नहीं, टाइम है, 4 मिनट खेल हो चुका है, 5 मिनट में खेल चल रहा है। बहुत सही पावर का इस्तेमाल, 10 नंबर के इंद्रजीत, 10 नंबर के जर्सी में रेड करते हुए राइट कॉर्नर से वार किया। अब मिडिल में पर बिना अंक के वापस। अब पांच, चलिए एसके कोचिंग की तरफ से डू अडाई में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, चले हैं अब रेड करने के लिए रेड जर्सी में। 5 डिफेंडर है यानी बोनस ऑफ है, बहुत सही, 5 डिफेंडरों के बीच में से अंक लाना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं एक बार बता देता हूँ कि यह तीसरा रेड डू अडाई है, या तो आपको मैं अंक लेके आना है, अंक देके जाना है। लीजिए कितना अंक, 4 अंक, अब तक के इतिहास में इस ग्राउंड में 4 अंक हुए और एसके कोचिंग को मिला है, पूरी टीम को मिला है, प्लेयर को नहीं, 4 अंक मिला। एक लाइन मैन बंदू चले गए भाई, 100 रुपए का इनाम एसके कोचिंग को, जो 4 अंक लेके आया था प्लेयर अपना इनाम मैच समाप्ति के बाद ले जाएगा। लाइन मैन चलते फिरते रहे, कोई रुटिंग ना हो, दावा किया है और दावा को मंजूर भी कर लिया। अच्छे खिलाड़ी का यही पहचान होता है क्योंकि लाइट के उजाले में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, पर ईमानदारी का परिचय वही खिलाड़ी देते हैं जो खेल के मकसद को खेल के भावना से देखते हैं और खेलते हैं। सुपर टेकल में रेड करता हुआ एसके कोचिंग का खिलाड़ी, 2
ही डिफेंडर बचे हैं, बहुत ही अच्छा शानदार अब तक सफल लग रहा है इनका। लग रहा है बिना अंक के वापस जाएंगे और बिना अंक के ही वापस चले गए। एक बार फिर दिलीप, दिलीप तीन नंबर के जर्सी में रेड करते हुए अच्छा प्रयास था दोनों टे पहले पैरों को पकड़ने का, पर नाकामयाब आप कोशिश से एक अंक मिल जाएगा गाजीपुर सी के टीम को। अभी भी सुपर टेकरान, तीन डिफेंडरों के बीच में अवरेज करने के लिए गए हैं एसके कोचिंग के खिलाड़ी। स्कोर 5-7, अब देख लीजिएगा एसके कोचिंग 7 और गाजीपुर 5, दो अंकों का फासला है केवल और टाइम भी 3 मिनट और बचा है। बहुत ही अच्छा 3 मिनट का शेष टाइम और बचा है। चलिए बिना अंक के वापस थर्ड रेड पिपरी बजे यानी दू अडाई। बार बार मैं कह रहा हूँ कि मैं का सारे भाग 4 गुना हो चुका है। अब स्कोर बराबर, बहुत देर के बाद स्कोर बराबर हुआ है दोनों टीमों के बीच में। अब 4 डिफेंडरों के बीच में दिलीप कुमार जकड़ लिए गए, 4 रन मिल के पकड़ लिया, 1 रन मिल जाएगा इसके कोचिंग को। तीन डिफेंडरों के बीच में रेडर रेड करता हुआ, शेष टाइम और 2 मिनट। बहुत ही अच्छा सुपर टेकर में रेड करते हुए टाइम को बिता रहे हैं बिना के वापस अर्च रहे हैं 2 नंबर के जर्सी में गाजीपुर का। यार 5 डिफेंडरों के बीच में रेड करता हुआ सभी ने मिल का प्रयास किया। 2 अंक मिल गए गाजीपुर की टीम को, बहुत सही। अब चले इसके कोचिंग के छोटे कप के खिलाड़ी पर अच्छे मझले हुए 1.5 मिनट, बहुत सही। और क्या बीच में पकड़ने को सुझाव पकड़ लेंगे, सारे खिलाड़ियों ने मिल के सहयोग दिया और पकड़ लिए स्कोर 10 गाजीपुर 8 एसके कोचिंग 10-8। 2 अंकों का फासला, 2 अंकों से लीड कर रहे गाजीपुर और सुपर टेकर राम अगर पकड़ लेते हैं एसके कोचिंग के जवाने तो 4 अंक मिलेगा पर नाकामयाब, 1 अंक मिल जाएगा गाजीपुर की टीम को। टाइम आउट नहीं मिलेगा भैया, टाइम आपने बहुत ले लिया। चलिए कंटिन्यू, कुछ ही सेकेंड बचे हैं। सब्स्टिट्यूशन हाँ 40 सेकेंड में बचे हमारे यहां भी। चलिए सत्यू फिर ठीक है, टाइम अप लास्ट एक डिफेंडर बचा है कोई बाजी में। चलिए गाजीपुर 11 एसके कोचिंग 8, 3 अंकों का अंतर है और लास्ट खिलाड़ी एसके कोचिंग का बचा हुआ लास्ट डिफेंडर पर दबोच लिए, 3 खिलाड़ियों ने दबोच लिया, 3 अंक मिल जाएगा। बचा हुआ 10 सेकेंड और इस तरह गाजीपुर सी विजेता रही।